नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त तकीस करीबिल्ला और पेश कर रहा हूं उसीन शहनामा। उसीन शहनामे में आपका खैर मकदम करते हुए पहले पेश हैं सुर्खियां। सुर्खियों के पेश करदा हैं जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बजट इजलास में रियासती हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का सामना करने तैयार, वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का बयान। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की 12 मार्च को दूसरी सालगिरह, यूपीए से मफाहमत के लिए विजय अम्मा की तर्दीद। पांच हजार पर वैट बर्खास्त करने हुकूमत को केसीआर का इंतबाह। सरकारी मुलाजमीन और मौजूद सरकारी मुलाजमीन को उगादी से हेल्थ कार्ड्स की तकसीम का ऐलान। ऐवान असेंबली और काउंसिल में बजट इजलास के लिए सख्त तरीन सियानती इंतजाम, वजीर असेंबली उमूर डी श्रीधर बाबू का बयान। सनत नगर इलाके में चीन छीनने का वाकया, सारिख फरार। लीजिए खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबरा के चंद्रशेखर राव पर आग बगोला हो गए, जिन्होंने असेंबली के बजट इजलास के दौरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान किया है। के चंद्रशेखर राव के पार्लियामानी हल्के महमनगर में एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सवाल किया कि के चंद्रशेखर राव ने मुंतखब होने के बाद अपने पार्लियामानी हल्के का कितनी मरतबा दौरा किया। ये बयान करते हुए कि एक आदमी को कोई खौफ नहीं है, किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो एतमाद हासिल करने में कोई खौफ महसूस नहीं करते और इस चैलेंज को कबूल करते हैं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि असेंबली में 18 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने महबूबनगर जिले को तालीमी शोबे में पहला मकाम देने का ऐलान किया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का 12 मार्च 2010 को ख्याम अमल में आया था। आंजहानी वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की हादिसाती मौत के बाद उनके परिजन वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ये पार्टी तश्कील दी थी। आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का दूसरा यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर रियासत भर में तकारीब मनाए जा रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजय अम्मा ने केक काटने के बाद पार्टी परचम लहराते हुए इन तकारीब का आगाज किया। इसके बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर एक बड़े जलसे आम को मुखातिब करते हुए विजय अम्मा ने याद दिलाया कि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने किस तरह गरीब आवाम के लिए फलाही स्कीमों का आगाज किया था। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये हुकूमत सारी स्कीमों को ख़त्म कर दी है। विजय अम्मा ने तेलुगु देशम पार्टी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि ये पार्टी उनके अरगान खानदान के साथ साजिश रचाते हुए मुश्किल में मुबतला कर दी है। एक तरफ जगन को जेल भेज दिया गया है तो दूसरी तरफ शर्मिला और उनके शहर को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस में जम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने रियासत में फिर एक मरतबा अच्छे दिन लौट आने की पेशकशी की। विजय अम्मा ने तर्दीद की है कि उन्होंने यूपीए हुकूमत की तायद का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ रियासत के मसाइल का अहाता करेगी। मैंने पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पार्टी वे आविर्भवी रुंडे पूर्त सदर्भ इकड़क वती राष्ट्र प्रजी प्रति जगन बाबू तरफ ना तरफ शुभाकांक्ष గడిచిన రెండేళ్లలో ఎన్నో మార్పులు మరి ఈరోజు కేంద్రం రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ మనం ఎదురు చూడని పరిస్థితులు ఎన్నో రావటం జరిగింది. మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు రెండుసార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావటం జరిగింది.
तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबरा के चंद्रशेखर राव ने रियासती हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो पार्क जात पर वैट से दस्तबरदारी अख्तियार करे। उन्होंने इंदिरा पार्क पर पार्क जात के ताजरीन के धरने में हिस्सा लेते हुए इजहार यगान अगत किया। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बरखी बोरान की वजह से कई सनतें बंद हो रही हैं, जिससे सनती मजदूरों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सनतों की तबाही की जिम्मेदार है। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सारे मुल्क में सिर्फ आंध्र प्रदेश ही वो वाहिद रियासत है जहां वैट नाफिस किया गया है। उनकी पार्टी असेंबली में ये मसला उठाएगी। उन्होंने वैट बर्खास्त करने का मुतालबा किया। कुलहिंद कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमाते हुक्मरान कांग्रेस का शिकंजा कसने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आवामी मसाइल हल करने के लिए संजीदा बातचीत की ख्वाहां हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना जैसे हसास मसले को असेंबली में हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बेचारी तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना को अपने एजेंडे में शामिल करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए कम से कम 10% तादाद रखना नागुजीर है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी खैर शर्मिला ने मंगल के दिन अपनी पदयात्रा के 88वें दिन एक केक काटकर अपनी पार्टी की दूसरी सालगिरह मनाई। उन्होंने गुंटूर जिले में चिरुमामल्ली के करीब अपनी पदयात्रा का आगाज किया। कबल अजी उन्होंने देहातियों की जानिब से नसब करदा डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्मे की नकाब कुशाई अंजाम दी। शर्मिला ने एक जलसैम को मुखातिब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का ताबनाक मुस्तकबिल है और वाईएस जगनमोहन रेड्डी वजीर आला होंगे। रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजमीन और मौजिब सरकारी मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड फराम करने से मुतालिक अपने वादे की तकमील के लिए मंगल के दिन सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा की जेर सदारत एक मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग के बाद वजीर सेहत कौंडर मुरली ने मीडिया को बताया कि बरसर खिदमत सरकारी मुलाजमीन और मौजिब सरकारी मुलाजमीन को उगादी से हेल्थ कार्ड फराम करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में फाइल वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को रवाना कर दी गई है। वजीर मालियात आनम राम नारायण रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यूज और दीगर आला अहदेदार इस मीटिंग में मौजूद थे। सिविल सप्लाईज के वजीर डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने के बाद शिनाख्त करते हुए सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के आला हुकाम आया राम गया राम कल्चर ख़त्म करने के लिए पहले से इकदाम शुरू कर दिए हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ऐवान असम्बली में अवामी मसाइल पर मबाहस करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की धमकी दे रही है, लेकिन हुकूमत ताकत पर मौकफ रखती है। वजीर उमूर असम्बली डी श्रीधर बाबू ने यह भी कहा कि बजट इजलास के लिए सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी खैर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों के लिए 9 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही का ऐलान किया था, लेकिन 3 घंटे भी बरखी सरबराह नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि बरखी बोरान की वजह से तलबा के इम्तिहान की तैयारी भी मुतासिर हो रही है। डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि असेंबली और पार्लियामेंट में किसानों के मसाइल पर मुबाहस मुनज़्ज़म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री को खानगी आने से कई मुलाजमीन की जिंदगियाँ मुतासिर हो गई हैं। तेलुगुदेशम पार्टी कायद पी केशव ने इल्जाम आयद किया है कि कानकनी के बादशाह गाली जनार्दन रेड्डी ने आजहानी वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी को इलेक्शन फंड बतौर 500 रुपये अदा किए थे। उन्होंने कहा कि एक कन्नड़ी अखबार में यह खबर शाया होने के बाद सीबीआई इसकी तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि अनंतपुर जिले के तमाम कांग्रेसी कायदीन के लिए मालिया फराम करने से मुतालिक गाली जनार्दन रेड्डी से तफ्तीश की गई है। पी केशव ने कहा कि कालाधन इंतखाबात में इस्तेमाल करने से मुतालिक वो इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करेंगे। बसवा कल्याण के मजलिसी मुंतखब कॉर्पोरेटर्स ने मंगल के दिन कायद मुकन्ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी के रिहायशगाह पहुंचकर अपने महबूब कायद की आयादत की और गुलपोशी करते हुए उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर बसवा कल्याण के अवाम ने मजलिस के बसवा कल्याण में ख़दम जमाने पर मुबारकबाद पेश की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस के नौमंतखबा मेंबर खानून साज कौंसिल शिवा कुमारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वह अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेंगी। उन्होंने मेंबर खानून साज कौंसिल के लिए नामजद करने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और
वज़ीर-आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यनारायण से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो ज़िरात सेहत और तालीम के शोबे में मौजूदा मसाइल के अलावा ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेंगी। शिवा कुमारी ने कहा कि हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद करना गलत है कि हुकूमत क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि वो काउंसिल में अवामी मसाइल पेश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। पुलिस दिलसुख नगर बम धमाकों के बाद शहरियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान कर रही है। उपगुड़े में वाक़ छावनी में दिल्ली के बेबस और मजबूर पनागजी मुकीमन जो गुज़िश्ता तकरीबन 30 बरस से इस इलाके में रहते हैं, उनके पास तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड्स हैं और राशन कार्ड्स भी मौजूद हैं। पुलिस का ख्याल है कि बम धमाकों में बैरूनी अफराद भी मुलविस हो सकते हैं और पुलिस सुबह की बुनियाद पर इन पनागजीनों को तखीला करने पर मजबूर कर रही है। ये गरीब लोग ढोलक तैयार करके अपना कारोबार अंजाम देते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा, अकबरुद्दीन अवैसी और मुकामी कारपोरेटर समद बिन अब्दाद ने उनकी मदद की है। साहब, 3 दिन से हम लोग यहाँ पर रोड के ऊपर भूखे प्यासे परेशान हाल से रहे और हमें मदद ज़्यादा से ज़्यादा MIM के काउंसलर समद अब्दाद साहब और अकबर अबुद्दीन साहब ने दिया है और हमको जहाँ पर रहे थे उसी जगह में हमको फिर रहने की इजाज़त दिया है। आप लोग कहाँ से आए हुए? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ पर हमारा बचपना हो गया साहब और यहीं पर हम रहते हैं। हमको ये प्रॉब्लम हो रहा, हम ढोलक का कारोबार करते थे साहब और हम लोग कोई ऐसे गलत आदमी नहीं है। तो आपको यहाँ से निकाले थे? कौन निकाले? यहाँ से शकील भाई ने निकाले थे और यहाँ की पुलिस वाले ने परेशान किया और बहुत ज़्यादा यहाँ के कमिश्नर ने हमको भगाने की कोशिश किया। सर्कल निकल जाओ सर, ऐसा ना। देखिए एक मिनट, पहले आप ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं, वही बोलो एक मिनट ना, जो भी बोलो लोग साहब यहाँ से, यहाँ पे बहुत दिन से। मेरा नाम मोहम्मद ताज है, हमारा काम ढोलक बेचना बदलना है और हम लोग यहाँ पे बहुत तमाम दिन से रहते हैं, हमारी पैदावार यहाँ की है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपने बच्चों का गुजर बसर करें। हमारे पास राशन कार्ड, ID कार्ड, आधार कार्ड, देखो साहब सब गवर्नमेंट इनको बना के दिया, हमारे अब्दाद साहब बना के दिए, कौशल साहब। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का गुजर बसर यहाँ पे हो जाए और कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पे कुछ दिन गुजर बसर अपना किए, उसके बाद में ऐसा हुआ यहाँ के सर्कल साहब छतरी नाका के सर्कल साहब बोले यहाँ से तुम लोग निकल जाओ, ये आपका सब गलत है। हम लोग सोचे साहब हमारा ये गवर्नमेंट बना के दिया, ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन हम सब बोला, उन्होंने कहा कि यहाँ से आप बिल्कुल कतई यहाँ से चले जाइए। फिर हम लोग यहाँ से जाके दारुसलाम गए, हमारे MIM के लीडर साहब और हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो भी हमारे लीडर हैं और पाशा कादरी साहब, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते साहब, लेकिन ये इसके सामने हमको नाम लेना पड़ रहा है, हमको शर्म लग रही है, हम कैसा नाम लेना साहब उन लोगों का। उनसे हमको पनाह मिली, हमारे छोटे छोटे बच्चे 3 दिनों से यहाँ पे रोड पड़े हुए सर, लेकिन हमको मदद जो मिली है, हमारे लीडर साहब हमारी मदद किया साहब, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हमारी मदद अगर हमको मिली है, अब्दाद साहब हमको मदद हमारी किया, हमारे बच्चे ये रेलवे प्लाट में 3 दिन से भूखे प्यासे हम लोग लगातार कंटिन्यू दारुसलाम जा रहे हैं, आज हमको मदद मिली है। हम जहाँ पे थे आज हमको हमारे अब्दाद साहब वहीं पर फिर शिफ्ट किया जा रहा है हमको। हजरत सैयद सुल्तान महमूदुल्लाह शाह हुसैनी अलमारूफ मछली वाले शाह रहमतुल्लाह अलैह की 123वां उर्स अफजलगंज में मनाया गया। मौलाना गौसवी शाह और शाहिद पीरानी उर्स की सदारत की, इस मौके पर उनके मज़ार पर चादर गुल पेश करते हुए शहर में अमन अमान की दुआ की गई। शहर में पाकिस्तान और बांग्लादेश में अकलियतों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुख्तलिफ नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। नानक सिंह नश्तर ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि तमाम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं और आपस में सब भाई भाई हैं। उन्होंने कहा कि एक भाई दूसरे भाई पर जुल्म सितम कर रहा है, इससे एहतराज़ की ज़रूरत है। इस एहतजाजी जलसे में भाईचारगी और इंसानियत के पैगाम को आम किया गया। संजीवा रेड्डी पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ हनुमान मंदिर के पास चेन छीनने का वाकया पेश आया। सनत नगर पुलिस इंस्पेक्टर सिंह नवाज राव ने मीडिया को बताया कि एक खातून पूजा के लिए हनुमान मंदिर जा रही थी कि अखब से 2 नौजवान पल्सर मोटरसाइकिल पर आकर उसके पास से 3.5 तोले तिलाई चेन छीन कर फरार हो गए।
श्री नवाज राव ने बताया कि सारिकों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मसरूफ है। उन्होंने ख्वातीन को मशवरा दिया कि वह तिलाई चेन का खुलेआम मुजाहरा करने के बजाय अपनी साड़ी से छुपाने की कोशिश करें। इससे कबल मुतअद्दिद मरतबा ये अपील की गई थी, लेकिन ख्वातीन हमारी अपील को खातिर में नहीं ला रही हैं। एक लेडी ये हनुमान टेम्पल को इधर पूजा करने के वास्ते आया और जाते वक्त कोई एक दो पीछे से आके पल्सर पे उसकी चेन स्नैचिंग करके चले गए और वो एसआर नगर पीएस लिमिट्स में आता। और हम फिर भी कोशिश करें पकड़ने के वास्ते, मगर उन्हें नहीं मिला। हमारा एक विनती है कि महिलाओं को ये चेन्स नहीं दिखे जैसा आपका साड़ी को होल्ड करके रखे तो ऐसे अफेंडरों को चांस नहीं मिलता। इसी के साथ ओसीएन शहनामा यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। الحاج ابراہیم بن عبداللہ مسقطی کا کارنامہ حیدرآباد کی سب سے بڑی ڈیری ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس بھینس کے خالص دودھ اور کم چکنائی والے دودھ کے لیے شہر بھر میں مشہور مسقط ڈیری جس کے اصلی گھی اور دہی کے گلاسز کے علاوہ فلیورڈ ملک کا جواب نہیں روزمرہ کے استعمال کے علاوہ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے آرڈر پر بھی فراہم کیا جاتا ہے 24 آور سروس 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں مصروف مسقط ڈیری کوٹلے عالی جاہ حیدرآباد जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मल्टी कुजाइन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुशादा डाइनिंग हॉल एक वक्त में 300 लोगों की कैपेसिटी बैठने के लिए आरामदेह और खूबसूरत फर्नीचर प्रोफेशनल मैनेजमेंट सफाई सुथराई का खास इंतजाम हाइजीनिक और जायकेदार फूड स्पेशल डिशेस मुगलई चाइनीज तंदूरी और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी का मजा लीजिए। बफे की सहूलत हाइजीनिक माहौल खूबसूरत एयर कंडीशन्ड वेव्स बैंक्वेट हॉल हर तरह की पार्टीज के लिए बुक कर सकते हैं। होटल सुहेल वेव्स नियर नलगुंडा क्रॉस रोड्स मलकपेट हैदराबाद। गॉर्जियस फैब्रिक्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन अ प्रीशियस जेवल एंड द डिग्निटी ऑफ योर इनर सेल्फ क्लासी डिजाइंस Designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bibandodi, Patrakatti. चलो खाना खाते हैं। नहीं मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है लेकिन आमिर सिर्फ आरआर मसाले से बना खाना ही खाते। ये खाना भी आरआर मसाले से बना है। आरआर मसाले हर घर की पसंद। आरआर मसाला घर घर की पसंद है। आरआर मसाले This is what a designer sharara is. The true sense of khada dupatta. These are real designer saris. This is real zeal of true fashion. Gehna, the bridal destination. Patargatti and Tholi Chowki, Hyderabad. Beauty, glamour, style,
passion. What do they mean without? फर्नीचर के फारूक अशरफ का एक अनोखा कारनामा। गरीब और यतीम बच्चियों के जहेज के लिए सागवान का मुकम्मल सेट पहली बार पेश करते हैं सिर्फ 7,500 रुपयों में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर डिनर सेट फ्री, 15,000 से ज्यादा की खरीदारी पर सीलिंग फैन फ्री, 30,000 से ज्यादा की खरीदारी पर टेबल फैन फ्री, 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर मिक्सर ग्राइंडर फ्री और 55,000 से ज्यादा की खरीदारी पर वाटर प्यूरिफायर फ्री, 65,000 से ज्यादा की खरीदारी पर एक सोने की अंगूठी फ्री हासिल कीजिए। ये स्कीम एकम रबीउल अव्वल से यानी 12 जनवरी से 11वीं के महीने के इख्तिताम तक यानी 12 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा नित नए डिजाइंस में सागवान की लकड़ी में महाराजा सेट, डिकोपेंट, विनियर, इटालियन, मैट फिनिश और ग्लोजी दस्तियाब हैं। इस स्कीम का पूरा फायदा उठाइए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। फोन नंबर 2457075024570759। Center, Patagati and Tauri Chowki.